Today, we will discuss about the laws of gases. So, here is gas laws are laws that analyze the behavior of gases under changing conditions, temperature, pressure, and volume. जैसे हम देखते हैं गैसेस के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कंडीशंस को चेंज करके. जब हमारे पास कंडीशंस चेंज होती हैं तो हम देखते हैं कि गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है. अब कंडीशंस कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. अब हम ये देखेंगे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास गैस का बिहेवियर कैसा हो सकता है. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या वॉल्यूम को या इनका रिलेशनशिप देखते हैं आपस में तो हम पता चलेगा कि गैसेस का बिहेवियर कैसा हो सकता है. द वेरिएबल्स ऑफ स्टेट लाइक द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस डिपिक्ट इट्स ट्रू नेचर. हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं स्टेट के, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो अपने ट्रू नेचर को शो करते हैं. हेंस द गैस लॉज आर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स. हमारे पास गैस लॉज क्या है? रिलेशनशिप है इन तीन वेरिएबल्स के दरमियान का, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का. अब वेरिएबल से हमें शो हो रहा है कि चेंजिंग. तो अब हम जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर पे या टेम्परेचर पे हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा? या हम प्रेशर को या टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दे आर प्राइमरी थ्री लॉज. यहाँ पे तीन लॉज हैं. फर्स्ट वन इज द वायल्स लॉ, सेकेंड इज चार्ल्स लॉ एंड थर्ड वन इज द एवोगाड्रोस लॉ. सो वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू बॉयल्स लॉ. वॉट इज द बॉयल्स लॉ एंड विच रिलेशनशिप शोज इन दिस लॉ. अ फ्रेंच केमिस्ट रॉबर्ट ब्राउन सॉरी अ फ्रेंच केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल गेव अ लॉ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस. वहां पर फ्रेंच केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने हमें एक लॉ दिया जिसने उसने रिलेशनशिप शो किया किसका? वॉल्यूम प्रेशर का. स्टेटमेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है. इन दोनों चीजों में, प्रेशर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर हमारे पास हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है. इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज एज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर हमारे पास वॉल्यूम गैसेस का डिक्रीज होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन कॉन्स्टेंट. तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की वो कॉन्स्टेंट रहती है. जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेंगी तो मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे कंटेनर की वॉल्स को. जैसे वो फ्रिक्वेंटली कोलाइड करते हैं कंटेनर के वॉल्स को, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम डिक्रीज होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, वेलोसिटी एवरेज मॉलिक्यूल्स की कॉन्स्टेंट रहती है. हमारे पास मॉलिक्यूल्स फ्रिक्वेंटली कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं वॉल्स के साथ, सो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हमारे पास. एज यू सी इन दिस कंटेनर्स, Here we have two containers. The first one show volume increase, pressure decrease. So you see here, we have so much volume here, and is decreasing here. In second container, we will see as the volume decrease, pressure increase. जैसे हम पिस्टन को पुश कर रहे हैं, हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. सो हम फॉर्मूला में भी देख सकते हैं. और इन दोनों में टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. नाउ वी कैन सी हियर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. एज वी डिस्कस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. और इनवर्स रिलेशनशिप हमारे पास शो कर रहा है कि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो चीज दूसरी चीज हमारे पास डिक्रीज हो रही है. द फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. सो
P1 shows the gas 1, V1 shows the gas volume of gas 1, P2 shows the pressure of gas 2, V2 shows the pressure of gas 2, sorry, volume of gas 2. If we increase प्रेशर टू टाइम्स द वॉल्यूम विल बी हाफ. जैसे हम देखते हैं प्रेशर को हम इंक्रीज कर देते हैं टू टाइम्स तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा. और इसी तरह अगर हम प्रेशर को टू टाइम्स डिक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम विल बी डबल. दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है. एक चीज इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम को, अगर हम टू टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. अगर हम प्रेशर को टू टाइम्स डिक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास डबल हो जाएगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज पैराबोला. जैसे हम देखते हैं कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, तो हमें जो कर्व मिलती है वो होती है पैराबोला. एज यू सी हियर इज ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड देयर इज अ कर्व विच इज कॉल्ड बाय पैराबोला. ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ प्रेशर इज अ स्ट्रेट लाइन. अब हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे. अगर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास पैराबोला आ जाता है. अगर हम वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. जैसे हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते जाएंगे या वॉल्यूम को डिक्रीज करते जाएंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. तो हमारे पास प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ कौन सा है? स्ट्रेट लाइन. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ल्स लॉ. व्हाट द चार्ल्स लॉ व्हिच रिलेशनशिप शोज इन दिस लॉ. इंट्रोडक्शन टू द चार्ल्स लॉ. द केमिस्ट फ्रेंच केमिस्ट जैकिस चार्ल्स डिस्कवर्ड दैट वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर. हमारे पास जैकिस चार्ल्स ने डिस्कवर किया कि वॉल्यूम हमारे पास चेंज होता है. अच्छा, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ हमारे पास वॉल्यूम चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. स्टेटमेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के. तो वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे. जैसे कि हम इन कंटेनर्स को देखते हैं, दो कंटेनर्स है हमारे पास एंड स्टेटमेंट क्या है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब फर्स्ट कंटेनर को देखते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर कम है तो हमारे पास वॉल्यूम भी कम है. वॉल्यूम कम है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड है. सेकेंड कंटेनर की तरफ देखते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हुआ. हमारे पास जो अंदर मॉलिक्यूल्स थे वो भी इंक्रीज हो गए, उनका भी स्पेस इंक्रीज हो गया और दोनों का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. सो हमारे पास वॉल्यूम की इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. उनका रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों कंटेनर ये शो करें कि अगर हम टेम्परेचर कम देते हैं तो वॉल्यूम कम होगा और सेकेंड कंटेनर शो करें अगर हम टेम्परेचर ज्यादा देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लाइन. द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थियोरेटिकली बी जीरो एट -273.16 डिग्री सेल्सियस. इतना वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास थियोरेटिकली जीरो होता है किस टेम्परेचर पे? -273.1 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे हमारे पास गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर. ठीक है, जब इतने कम टेम्परेचर पे हमारे पास स्टेट ही चेंज हो जाती है गैस की. इनफैक्ट दिस टेम्परेचर हैज नेवर बीन अचीव फॉर एनी गैस. मतलब ये टेम्परेचर हमारे पास किसी गैस के लिए अचीव किया ही नहीं गया है. द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो. तो जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस का उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं या 0 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं. हम इसको केल्विन स्केल भी कह सकते हैं. सो द सेंटीग्रेड स्केल इज चेंज इनटू केल्विन स्केल बाय एडिंग 273. तो सेंटीग्रेड स्केल को हम चेंज करते हैं केल्विन स्केल में 273 को ऐड करके. एज यू सी हियर के इक्वल्स टू सी प्लस 273.
केल्विन इक्वल्स टू सेंटीग्रेड प्लस 273, और जैसे हम नीचे देख रहे हैं सेंटीग्रेड इक्वल्स टू के माइनस 273। जब हमें केल्विन जैसे फाइंड करना होगा तो हम सेंटीग्रेड के साथ 273 को ऐड कर देंगे, और जैसे हमें सेंटीग्रेड मालूम करना होगा तो हम केल्विन से माइनस 273 कर देंगे। नाउ वी विल सी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। द वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एज वी डिस्कस्ड। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज टू टाइम्स द वॉल्यूम विल बी डबल। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं टू टाइम तो वॉल्यूम हमारे पास डबल हो जाएगा। अगर हम फोर टाइम इंक्रीज कर देते हैं, सिक्स टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर हम टू टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी टू टाइम्स हमारे पास डबल हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर डिक्रीज टू टाइम्स, अगर टेम्परेचर को टू टाइम्स डिक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम विल बी हाफ, तो वॉल्यूम हमारे पास हाफ हो जाएगा। इन दोनों कंडीशंस पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉरी प्रेशर हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहेगा। द फॉर्मूला इज हियर V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। V1 शोज द वॉल्यूम ऑफ गैस 1, V2 शोज द वॉल्यूम ऑफ गैस 2, T1 शोज द टेम्परेचर ऑफ गैस 1, T2 शोज द टेम्परेचर ऑफ गैस 2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन। एज वी सी इफ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्योंकि जैसे हम प्रेशर को सॉरी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। एज यू सी देयर आर सम इंस्क्यूज ऑफ बॉयल्स लॉ। द फर्स्ट वन इज द व्हाट डज बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। द सेकेंड ऑप्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। द थर्ड ऑप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ गैस। द फोर्थ ऑप्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ गैस। एज वी डिस्कस इन द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, एज वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड। सो ऑप्शन बी इज राइट, द रिलेशनशिप बिटवीन सॉरी और सॉरी ऑप्शन ए इज राइट, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। So as we see the second MCQs, according to Boyle's law, if the volume of gas is decreased while the temperature remains constant, what happened to the pressure? जैसे हमने यही डिस्कस किया कि वॉल्यूम अगर हमारे पास डिक्रीज होगा तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा, सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, इट इंक्रीजेस। ऐसे कुछ एमसीक्यूज हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटर टेस्ट में कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ग्राफ के ऊपर आ सकते हैं, हमारे पास ग्राफ देके पूछा जा सकता है कि ग्राफ की कर्व कौन सी है, ये मतलब चार पांच ग्राफ देके ये पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ कौन सी है ला का है, और हमारे पास जैसे कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी चीज कॉन्स्टेंट है वॉयल्स लॉ के अंदर, वेलोसिटी पूछी जा सकती है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या नहीं है। अगर और ये भी पूछा जा सकता है अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं टू टाइम्स तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं। इस टाइप के एमसीक्यूज हमारे पास वॉयल्स लॉ के अंदर आ जाते हैं। और एज वी सी इन चार्सला के अंदर भी हमारे पास इस टाइप के कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। रिलेशनशिप पूछा जा सकता है कि किसका रिलेशनशिप किसके साथ है, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। जैसे हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें कौन सी चीज हमारे पास कॉन्स्टेंट है। और जैसे बॉयल्स लॉ में हमें बताया था कि फॉर्मूलाज आ सकते हैं, हमारे पास ग्राफ पूछा जा सकता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, या हमने जैसे पढ़ा एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं, केल्विन अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम सेंटीग्रेड के साथ ऐड कर देंगे 273 को। इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पास इंटर टेस्ट में आते हैं। सो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज गिवन है, उसके आंसर की भी हमारे पास साथ यहीं पे गिवन है। वैसे तो हमारे पास पी लाज है,
गैसेस के, बट हमने यहाँ पे दो डिस्कस किए हैं।